अब नेक्स्ट टाइप की SIMD मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है शेयर्ड मेमोरी मॉडल। इसमें भी देखो वैसा ही है, होस्ट कंप्यूटर है जिससे यूजर इंटरेक्ट करेगा। होस्ट कंप्यूटर मास स्टोरेज को हैंडल करेगा, जो भी आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करना होगा उसको डिस्प्ले करेगा, और जो भी प्रोग्राम एंड डेटा है वो कंट्रोल मेमोरी में स्टोर कर देगा। और फिर ये किसको प्रोवाइड करेगा, अरे कंट्रोल यूनिट को। अरे कंट्रोल यूनिट जो है वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, अगर वो स्केलर है तो स्केलर प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट करवाएगा, अगर वो वेक्टर इंस्ट्रक्शन है तो वो ब्रॉडकास्ट कर देगा इन वेक्टर इंस्ट्रक्शंस को इन मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के पास। लेकिन ये जो है ये शेयर्ड मेमोरी मॉडल है, तो यहाँ पर शेयर्ड मेमोरीज होंगी, शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल्स होंगे, और ये प्रोसेसिंग एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ अलाइनमेंट नेटवर्क। इस अलाइनमेंट नेटवर्क को भी कौन हैंडल करेगा, अरे कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और जो भी डेटा जो है जिन पे ये वेक्टर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होना है वो डेटा बस के थ्रू इन शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल में स्टोर हो जाएगा। तो इसकी वर्किंग भी सेम है, बस यहाँ पर जो मेमोरी है वो शेयर्ड है और जो डेटा राउटिंग नेटवर्क उसमें यूज हो रहा था डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में, उसकी जगह अलाइनमेंट नेटवर्क है। तो अलाइनमेंट नेटवर्क क्या है, यहाँ पर हेयर एन अलाइनमेंट नेटवर्क इज यूज्ड एज दी इंटर प्रोसेसिंग एलिमेंट मेमोरी कम्युनिकेशन नेटवर्क। इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। इट मस्ट बी प्रॉपरली सेट टू अवॉइड एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट नेटवर्क क्या है, इंटर प्रोसेसिंग एलिमेंट मेमोरी कम्युनिकेशन नेटवर्क है, यानी प्रोसेसर्स को मेमोरी से कम्युनिकेट करवाने के लिए अलाइनमेंट नेटवर्क का यूज हुआ है। इसको भी कौन कंट्रोल करता है, अरे कंट्रोल यूनिट। और ये जो है ये प्रॉपरली सेट होना चाहिए जिससे एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट सेम मेमोरी मॉड्यूल को एक्सेस ना कर पाए। इसका एग्जाम्पल कौन सा है शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल का, बूरफ साइंटिफिक प्रोसेसर BSP विथ 16 प्रोसेसिंग एलिमेंट्स अपडेटिंग 17 शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल। यानी प्रोसेसिंग एलिमेंट 16 है इसमें और शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल 17 है, अपडेटिंग 17 शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल्स थ्रू 16x17 अलाइनमेंट नेटवर्क। इसीलिए जो अलाइनमेंट नेटवर्क है वो किस टाइप का है, 16x17, 16 प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को उसे 17 मेमोरी शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल से कम्युनिकेट करवाना है। इन बोथ SIMD ऑर्गेनाइजेशन होस्ट कंप्यूटर हैंडल ऑल इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ही SIMD ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मॉडल और शेयर्ड मेमोरी मॉडल में कुछ कॉमन था जो आपको दोनों की ही थ्योरी में लिखना है। तो होस्ट कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज को हैंडल करता है। अ स्पेशल कंट्रोल मेमोरी इज यूज बिटवीन द होस्ट एंड अरे कंट्रोल यूनिट फॉर होल्डिंग प्रोग्राम एंड डेटा। जो कंट्रोल मेमोरी थी वो क्या स्टोर कर रही थी, प्रोग्राम एंड डेटा, और किसके बीच में वर्क कर रही थी, होस्ट कंप्यूटर एंड अरे कंट्रोल यूनिट। डिवाइडेड डेटा सेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लोकल मेमोरीज इन डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मॉडल एंड टू द शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल्स इन शेयर्ड मेमोरी मॉडल बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के पहले जो डेटा सेट था, डिवाइडेड डेटा सेट्स थे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं लोकल मेमोरीज को डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मॉडल में और शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल्स को शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल में। होस्ट मैनेजेस द मास स्टोरेज एंड ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑफ कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स। तो जो होस्ट कंप्यूटर है वो मास स्टोरेज और ग्राफिक्स जो भी डिस्प्ले होनी है, जो भी रिजल्ट डिस्प्ले होनी है उनको हैंडल करता है। स्केलर प्रोसेसर ऑपरेट्स कॉन्करेंटली विद द प्रोसेसिंग एलिमेंट अरे अंडर द कोऑर्डिनेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट। और जो स्केलर प्रोसेसर है वो कॉन्करेंटली वर्क करता है प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के साथ अंडर द कोऑर्डिनेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट। यानी कि दोनों ही जो हैं, स्केलर प्रोसेसर और प्रोसेसिंग एलिमेंट अरे जो हैं, वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और दोनों किसके अंडर में काम करते हैं, कंट्रोल यूनिट के।